मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सूची आ गई है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि राजस्थान में कब पहली सूची आएगी। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो इस समय भी बहुत मंथन के दौर से गुजर रहा है। दरअसल राजस्थान की सबसे बड़ी चिंता, कांग्रेस की जो सबसे बड़ी चिंता है राजस्थान में, वो ये है कि दो मोर्चों पर उनको सारी चीज़ों को साधना है। एक तरफ अशोक गहलोत हैं, एक तरफ सचिन पायलट हैं, दोनों के समर्थक हैं। एक तरफ खबर ये भी आ रही है कि कई सिटिंग विधायकों के टिकट कट सकते हैं, दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि गहलोत ऐसा नहीं चाहते, उनके खास हैं। इस बार ये भी समीकरण देखना होगा किसके समर्थक विधायक ज़्यादा जीत कर आते हैं। और आला कमान की एक अलग सोच है कि किसी के विधायक नहीं, कांग्रेस के विधायक जीत कर आएँ कि आगे हम जिसको कहें वो मुख्यमंत्री बन पाए। ऐसा ना हो जाए कि जिसके साथ विधायक हैं उसके सामने हम भी कुछ ना कर पाएं, जैसा कि अभी हाल में हुआ था। अशोक गहलोत नहीं चाहते थे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में जाएं या मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ें, और ऐसा ही हुआ, आलाकमान कुछ नहीं कर पाया। तो खैर, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सूची पर बहुत मंथन चल रहा है, यही वजह है कि बड़ा समय लग रहा है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस की पहली सूची में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नाम भी शामिल हो सकता है। एक सूची जो है वो वायरल हो गई है, और हमने पहले भी देखा है कि वायरल सूची जो है वो अंतिम सूची निकलती है। हालांकि आलाकमान इस पर अपनी बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि लगभग कुछ ऐसी स्थिति रहेगी। अब क्या है राजस्थान में पहली सूची को लेकर प्लानिंग, और क्या क्या नाम हो सकते हैं, किन किन को डर सता रहा है, ये ज़रा मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में उम्मीदवारों की लिस्ट पर मुहर लग सकती है। इससे पहले राजस्थान कांग्रेस में उम्मीदवारों की फर्जी लिस्ट वायरल हुई थी। इस सूची के बाद कई नेताओं को अपने नाम कटने का डर भी सताने लगा है। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली लिस्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इसको लेकर शनिवार को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हुई। इस बैठक के बाद कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने मध्य प्रदेश की 144 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर पहली सूची जारी कर दी है। इसके बाद राजस्थान में भी कांग्रेस की सूची को लेकर नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं। सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोडासरा पहले से ही उम्मीदवारों की एक्सरसाइज के लिए दिल्ली में बैठक करते रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आज राजस्थान के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर मुहर लग सकती है। इसको लेकर कांग्रेस की सियासत तेज हो गई है, हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस की वायरल सूची से राजनीतिक पारा किस तरह चढ़ा वो भी जानिए। राजस्थान में कांग्रेस की पहली सूची को लेकर सियासत पर इंतजार हो रहा, और इस बीच बीते दिनों राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों की एक फर्जी लिस्ट वायरल हुई जिसमें 48 उम्मीदवारों के नाम आए। इस वायरल सूची के बाद कांग्रेस की सियासत में राजनीतिक पारा चढ़ गया। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने सूची को फर्जी बताया, लेकिन फिर भी वायरल सूची के बाद कई नेताओं को अपने नाम कटने का डर सताने लगा। इस सूची में आने वाली कई ऐसी नाम हैं जिन पर स्क्रीनिंग कमेटी की मुहर लग सकती है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में गहलोत पायलट का नाम भी शामिल है। गत 14 अक्टूबर को कांग्रेस की 48 विधानसभा सीटों को लेकर एक फर्जी सूची वायरल हुई थी जिसको लेकर कांग्रेस की सियासत में हड़कंप मच गया। इसमें ऐसे कई मंत्रियों और विधायकों के नाम है जिनके टिकट को कन्फर्म बताया जा रहा है। वहीं चर्चा है कि कांग्रेस की आने वाली पहली सूची में इन नेताओं के नाम पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी और सचिन पायलट भी लड़ते दिखाई देंगे। लक्ष्मणगढ़ से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा हैं, लालसोट से मंत्री प्रसादी लाल मीणा हैं, सिविल लाइन जयपुर से प्रताप सिंह खाचरियावास है, झोटवाड़ा से लालचंद कटारिया, बीकानेर वेस्ट से बीडी कल्ला, कोटपुतली से राजेंद्र यादव, खाजूवाला से गोविंद मेघवाल, कोलायत से भंवर सिंह भाटी, झुंझुनू से बृजेंद्र ओला, शाहपुरा से आलोक बेनीवाल, दुदू से बाबूलाल नागर, लाडनू से जगन्नाथ बोड़क समेत कई विधायकों के नाम हैं। इन सभी के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान की भी सूची जो है वो बहुत जल्दी आ सकती है। दिल्ली में शनिवार को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, डॉक्टर सीपी जोशी, सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन, वीरेंद्र राठौर, अमृता धवन, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य अभिषेक दत्त और गणेश गोदियाल के साथ बैठक हुई। इसमें राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के लिए मंथन किया गया। वहीं मध्य प्रदेश की सूची को अंतिम रूप देकर 144 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई। इसके बाद राजस्थान में हलचल तेज हो गई। संभावना है कि जल्द ही राजस्थान में भी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस पहली लिस्ट में ज्यादा विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं करेगी। बैठक में 200 सीटों पर नामों के लिए मंथन हुआ है। बैठक में पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई है। यह बैठक करीब 4.5 घंटे तक चली। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा ने बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी ने सभी 200 सीटों के बारे में चर्चा की है। उन्होंने कहा सभी सीटों के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जो नाम आए उन नामों और सर्वेक्षण में आए नामों का मिलान किया गया। इसके बाद कमेटी ने सभी सीटों पर नामों के संबंध में चर्चा की है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा मैं आपको लगातार बताता आया हूं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे में कुछ तो चल रहा है।
कांग्रेस की ये इच्छा थी कि वो जल्द से जल्द नामों को घोषित करे, लेकिन इसमें एक बड़ी चुनौती ये है कि जैसे ही नामों की घोषणा की जाएगी बगावती सुर तेज हो जाएंगे। बीजेपी ने बहुत तेजी से सभी राज्यों में अपनी लिस्ट जो है वो जारी करना शुरू की, और इसके बाद में कई जगह पर बागी तेवर भी देखने को मिले हैं। यहाँ वसुंधरा खेमे में भी हम देख रहे हैं कि एक बगावत का सुर देखने को मिल रहा है, कई वसुंधरा समर्थकों के टिकट कटने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर राजस्थान में कांग्रेस के लिए बहुत आसान नहीं है, और मंथन यहीं पर अटका हुआ है कि किसकी चलती है किसकी नहीं चलती है। लेकिन फिर भी ये तय माना जा रहा है कि अब जब चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई, बीजेपी उम्मीदवारों के नाम जारी करने में इतनी आगे निकल चुकी है, तो अब फटाफट नामों को रिलीज करना पड़ेगा। पहली लिस्ट एक वायरल हुई लेकिन इसको फर्जी बताया गया है, फिर भी ये माना जा रहा है कि इसमें जो नाम हैं वो लगभग यही रह सकते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादातर बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ऐसे नाम बताए जा रहे हैं जिनके टिकट काटने का रिस्क शायद कांग्रेस ना ले। लेकिन ये भी तय माना जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को देखते हुए कई सिटिंग विधायकों के टिकट कट सकते हैं, और यही एक बड़ी वजह है कि इस पर बहुत मंथन किया जा रहा है, क्योंकि एक बात ये भी आ रही है कि अशोक गहलोत इसके बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं है। एक उम्र का भी मसला है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देने की बात सचिन पायलट लगातार कहते रहे हैं, तो वहीं कई ऐसे विधायक हैं जो उम्र के इस दायरे से बाहर हो सकते हैं, लेकिन इनमें अशोक गहलोत के कुछ समर्थक भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर इन चीज़ों पर मंथन चल रहा है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट तो कम से कम जल्द आपको देखने को मिल जाएगी।